हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के Q1 के नतीजे के बारे में। एचडीएफसी बैंक अपना Q1 का नतीजा लेकर के आ चुकी है और जैसा कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं मनी कंट्रोल के साइट पर कि इन्होंने जो न्यूज़ दिया है उनके अनुसार एचडीएफसी बैंक का Q1 प्रॉफिट जो है लगभग 20% जंप होकर के 6658 करोड़ का हो गया है। और इन्होंने कहा है कि इनके लोन ग्रोथ के चलते इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह 18% से ग्रो किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अनुसार इसके रिजल्ट को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली नतीजे किस प्रकार के रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट दिख रहा है। दोस्तों, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अब हम लोग इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसको कंपेयर करके देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का किस प्रकार का रिजल्ट आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सारे फिगर हैं वो लाख में दिए गए हैं और मैं इन्हें करोड़ में बोलूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि Q1 FY21 में HDFC बैंक ने 36,698 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया है, जबकि मार्च क्वार्टर में इनका जो रिवेन्यू था टोटल वह 38,271 करोड़ का रहा था। तो यहां पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके रिवेन्यू में लगभग 4% का डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर दोस्तों सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका Q1 FY21 में इनका जो नेट प्रॉफिट ये घोषित की है ये 6,940 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट घोषित की है, जो कि मार्च क्वार्टर में ये 7,296 करोड़ का हुआ करता था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट में भी डीग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये तकरीबन ये भी जो है 5% के आसपास है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड की मार इनके रिजल्ट में साफ साफ देखने को मिल रही है। और अगर दोस्तों हम लोग ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर यानी 2019 में जून क्वार्टर में एचडीएफसी का नेट इनकम था 34,324 करोड़ रुपया, जो कि Q1 FY21 में ये बढ़कर के 36,698 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इनका जो है रिवेन्यू में तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये ग्रोथ लगभग जो है 7% का दिख रहा है। और अगर दोस्तों सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वह 5,690 करोड़ के आसपास था, जो कि Q1 FY21 में बढ़कर के ये 6,940 करोड़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके प्रॉफिट में लगभग 22% का उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट कहलाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन दोस्तों अब इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि एचडीएफसी के रिजल्ट जो है मिक्स टाइप के रहे हैं और कोविड के चलते इनके रिजल्ट में मार देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके रिजल्ट में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के चलते इनके बिजनेस इंपैक्ट हो रहे हैं और इन्होंने संभावना जताई है कि आगे भी इनके बिजनेस
अफेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस घोषणा को कि इन्होंने क्या नोटिस में दिया है शेयर होल्डर्स को। जैसा कि दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोविड के आउटब्रेक के कारण, जो कि अभी तक थमा नहीं है, इनके लोन सैंक्शन के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं और इनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस भी कम हो रहे हैं और जो लोन इन्होंने दिया है उसके उगाही में भी परेशानी हो सकती है और क्रेडिट कार्ड के भी जो बिल्स हैं उसके भी उगाही में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि कस्टमर आगे चल के ये डिफॉल्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने पहले से अनुमान लगा करके रखा है और जिसके कारण इनको आगे जो है प्रोविजनिंग भी कर सकती है इन डिफॉल्ट के चलते। तो दोस्तों इस प्रकार के स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि बैंक कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है कि डिफॉल्ट के केस बढ़ेंगे और लोन ग्रोथ कम रहेगा। तो इस वजह से दोस्तों हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर में HDFC बैंक के रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं रह सकते हैं जितना कि अभी तक रहे हैं। लेकिन दोस्तों HDFC बैंक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग बैंक है और इस तरह के सिनारियों को ये काफ़ी अच्छी तरह से पार कर पाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों को ये देखना होगा कि मार्केट जो है इसके रिजल्ट को किस प्रकार से लेता है और इसके शेयर भाव में किस प्रकार का तेजी या मंदी देखने को मिलेगा, ये हम लोगों को मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन इनके स्टेटमेंट से और रिजल्ट को देखने से ये पता चल रहा है कि कोविड की मार इसके रिजल्ट पर पड़ी है और ये आगे भी जारी रह सकती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ और जिससे कि आप हमेशा लाभान्वित होते रहते हैं।